नेक्स्ट वन डायमेंशन फॉर्मूले के थर्ड यूज पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। देखिए हम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है सपोज दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, अब उसका जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, डायमेंशनली ड्राइव द टाइम पीरियड इक्वेशन। अब लेट भी आपको नहीं मालूम कि इक्वेशन क्या होती है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब स्टेप आपको सिखाए हुए हैं, अब वो यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कौन सी क्वांटिटी अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो दैट इज़ टाइम पीरियड, तो ये हमने लिख लिया टाइम पीरियड। अब वो देखो किन किन फैक्टर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द वॉफ एम लिख लिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल कर लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कर लिया एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट बी थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या लेट करना होता था, डायमेंशंस, तो हमने यहाँ डायमेंशन लेट कर ली ए बी सी एंड डी, क्योंकि यहाँ पे फोर क्वांटिटीज हैं तो मुझे डी तक जाना पड़ा। अब हमने जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो वहाँ क्या लगा, एक कांस्टेंट के, जिसे हम क्या बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। पर अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इस क्वेश्चन में के भी क्या है कांस्टेंट, और यहाँ हमने जो थीटा लिखा हुआ है तो आपको मालूम है एंगल भी क्या होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो मैंने इन दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट लिख दिया, दैट इज़ के डैश, ठीक है, क्योंकि इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर फिर क्या आएगा, अगेन अ कांस्टेंट, तो उसे मैंने क्या मान लिया के डैश, और ये भी हमारे पास क्या है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो उसे यहाँ पे के डैश लिख दिया। अब हम कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, तो कांस्टेंट हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो इक्वेशन क्या बनी टी इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर बी एंड जी की पावर सी, यहाँ तक ले थीटा ड्रॉप हो गया क्योंकि डायमेंशनलेस था। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जितनी भी क्वांटिटीज आपके सामने लिखी गई हैं सबके डायमेंशन फॉर्मूले, बेटा टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला एम जीरो एल जीरो टी वन, मास का एम वन होल पावर इज ए, लेंथ का एल वन एंड होल पावर इज बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल वन टी माइनस टू एंड होल पावर इज सी। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा एम की पावर ए, ये बन जाएगा एल की पावर बी, ये बन जाएगा एल की पावर सी एंड टी की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ सी, इन्हें कंबाइन कर लें बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट, तो एम की पावर ए आ जाएगा, एल की पावर क्या बन जाएगा बी प्लस सी और टी की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ सी। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं डायमेंशंस कंपेयर कर सकते हैं वाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे एम कितना है ए और यहाँ पे जीरो, तो ए कितना आ गया जीरो, यहाँ पे L की पावर B प्लस सी और यहाँ पे L की पावर जीरो, तो इसका मीनिंग V प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे T की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ C इक्वल टू वन, तो माइनस ट्वाइस ऑफ C इक्वल टू वन। अब इस स्टेप के बाद क्या करना होता है, A B C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A पहले निकला हुआ है ठीक है, C यहाँ से निकल जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब डिफ़िकल्टी किस में रही, B को फाइंड करने में, तो B को हमने यहाँ पे रखा, C की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी माइनस वन बाई टू, इसे उधर ले जाएंगे तो b इक्वल टू वन बाई टू। अब आपके पास a b c तीनों की वैल्यू है, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दो सब्सिट्यूट, t इक्वल टू m की पावर a, a हमने कितना निकाला जीरो, l की पावर b, b हमने कितना निकाला वन बाई टू, और g की पावर c, और c हमने कितना निकाला माइनस वन बाई टू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इस इक्वेशन में m जीरो है तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, तो t इक्वल टू इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं l की पावर वन बाई टू और g को नीचे ले गए, और इसी इक्वेशन को हम इन द टर्म अंडरूट लिख सकते हैं क्योंकि वन बाई टू का मीनिंग अंडरूट होता है। अब इस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेंट ड्रॉप किया था के, तो उस के की यहाँ वैल्यू यूज होती है डेट इज़ टू पाई, जो डायमेंशनलेस कॉन्सेंट हमें इसकी वैल्यू नाउन नहीं होती, तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू लिख दी दैट इज़ टू पाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम दैट इज इक्वल टू टी इक्वल टू टू पाई अंडरूट एल बाई जी।